नमस्कार, डॉक्टर ए के वर्मा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक ऐसे विषय पे चर्चा करेंगे जिसके बारे में प्रायः हमारे मन में कुछ शंकाएं पैदा होती हैं कि इन अवधारणाओं में अंतर क्या है। अक्सर हम अधिकार शब्द का प्रयोग करते हैं, संवैधानिक अधिकार शब्द का प्रयोग करते हैं, मौलिक अधिकार कहते हैं, मानवाधिकार कहते हैं। तो आइए देखें कि कॉन्सेप्चुअली अवधारणा के स्तर पे इन शब्दावलियों में या इन शब्दों में क्या मौलिक फर्क है। देखिए, अधिकार तो हम सभी जानते हैं कि अधिकार कुछ ऐसी हमारी मूलभूत स्वतंत्रताएं होती हैं जो कि राज्य जिसको संरक्षित करता है। और जब भी राज्य का निर्माण हुआ तो इसीलिए राज्य का निर्माण हुआ कि जो हमारी बहुत सारी स्वतंत्रताएं थी प्राकृतिक समाज में, जिसको हम नेचुरल स्टेट कहते हैं, स्टेट ऑफ नेचर कहते हैं। तो जब हमने स्टेट ऑफ नेचर से ट्रांजिशन किया एक सिविल सोसाइटी में, मानव समाज में, तब हमने एक राज्य का निर्माण किया और राज्य से अपेक्षाएं की कि राज्य हमको कुछ गारंटी करे, कुछ हमारी जो अनेक स्वतंत्रताएं थी उनमें कुछ स्वतंत्रताओं को वास्तव में वो उसको गारंटी करे और इस बात की हमें एक प्रकार से मान्यता दे कि हम उन स्वतंत्रताओं को राज्य की इजाजत के द्वारा अच्छी तरह से अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए प्रयोग कर सकें। तो ऐसी बहुत सारी अधिकार होते हैं जो कि राज्य इनको मान्यता प्रदान करता है और तरह तरह के कानून बना के उन अधिकारों को मान्यता प्रदान की जाती है। तो राज्य के द्वारा और राज्य में जो संस्था होती है सरकार, उस सरकार का हम जानते हैं कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, उसके तीन अंग होते हैं। तो व्यवस्थापिका के द्वारा बहुत सारे कानून बनाए जाते हैं और उन कानूनों को बनाकर नागरिकों को, अपने नागरिकों को बहुत सारे अधिकार दिए जाते हैं और उन अधिकारों का प्रयोग करने के लिए नागरिक स्वतंत्र है और उन अधिकारों को वास्तव में राज्य संरक्षण भी करता है। तो अगर ये सामान्य अधिकार कहे जाते हैं जो कि हर सोसाइटी में नागरिकों को प्राप्त होते हैं। लेकिन जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो है संवैधानिक अधिकारों। संवैधानिक अधिकारों के बारे में जब चर्चा होती है तो उसका अभिप्राय यही होता है कि ये अधिकार, जितने अधिकार नागरिकों को समाज में प्राप्त होते हैं उनमें से कुछ अधिकारों को बहुत ही आवश्यक माना जाता है, परमावश्यक माना जाता है और ये माना जाता है कि उन अधिकारों के बिना एक अच्छे नागरिक के रूप में जीवन जीना संभव नहीं हो पाएगा और इसलिए उन कुछ अधिकारों को, कुछ सीमित अधिकारों को संविधान में स्थान दे दिया जाता है कि भाई ये संविधान में रखे जाएंगे और उनको हम संवैधानिक अधिकारों की संज्ञा देते हैं। क्योंकि संविधान कानून से ऊपर की व्यवस्था है, अर्थात कानून को हम सर्वोच्च विधान कहते हैं, सर्वोच्च कानून कहते हैं। इसलिए जो सामान्य कानून है उनमें तो हमें जो अधिकार प्राप्त है वो ही है, लेकिन ये जो संविधान है, जो सर्वोच्च कानून है, उसमें कुछ सीमित अधिकारों को जगह मिलती है, उसको हम संवैधानिक अधिकार कहते हैं। लेकिन अक्सर ये प्रश्न हमारे मन में उभरता है कि क्या संवैधानिक अधिकार और मौलिक अधिकार, इसमें कोई अंतर भी होता है? सामान्यतः संवैधानिक अधिकारों को हम मौलिक अधिकार ही समझ बैठते हैं, लेकिन भारतीय संदर्भ में हम अगर वास्तव में अपने संविधान के इतने विस्तृत संविधान का अध्ययन करें तो हमें ऐसा ज्ञात होगा कि हमारे बहुत सारे अधिकार संविधान में हमको प्राप्त हैं, नागरिकों को प्राप्त हैं या और जो विधिक संस्थाएं हैं उनको प्राप्त हैं। तो बहुत सारे अधिकार पूरे संविधान में फैले होते हैं और उन तमाम जो अधिकार हैं पूरे संविधान के लेंथ और ब्रेथ में जो फैले हुए हैं, उन अधिकारों को वास्तव में हम संवैधानिक अधिकारों की संज्ञा दे सकते हैं। लेकिन जो मौलिक अधिकार होते हैं, उन मौलिक अधिकारों का वास्तव में एक 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 प्रकार से उनको एक स्थान पे लिपिबद्ध कर दिया जाता है और कहा जाता है कि ये अधिकार मौलिक अधिकार है। जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों का एक चैप्टर है, एक अध्याय है, उसमें बहुत सारे मौलिक अधिकार रखे हुए हैं जिसपे कि हम लोग आगे चल के कभी चर्चा करेंगे। लेकिन आज हम केवल आपको अवधारणा के स्तर पर एक चीज क्लियर ये करना चाहते हैं कि कभी कभी, और खासतौर से भारतीय संविधान के संदर्भ में, हम कह सकते हैं कि मौलिक अधिकारों में और संवैधानिक अधिकारों में थोड़ा फर्क है। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं आपको अनुच्छेद
31 जब हमारा एक हुआ करता था और उस अनुच्छेद 31 में भारत के नागरिकों को संपत्ति का मौलिक अधिकार प्राप्त हुआ करता था, लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उसको हमने कालांतर में समाप्त कर दिया। हमारी संसद ने उसको ऐसा माना कि मौलिक अधिकार जो संपत्ति का है, संपत्ति का मौलिक अधिकार बार बार जो समाजवादी नीतियां होती हैं देश में या लोक कल्याणकारी नीतियां होती हैं उसको लागू करने में कहीं वो अवरोध व्यवधान पैदा करता है, तो इसलिए कालांतर में संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। लेकिन संविधान से उसको एकदम बहिष्कृत नहीं कर दिया गया है। अगर आप ध्यान दें तो संविधान का एक धारा है धारा 300A, और संविधान की धारा 300A में संपत्ति के अधिकार को ट्रांसफर कर दिया गया है। इस प्रकार से संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान में तो बना हुआ है, लेकिन वो मूल अध्यायों या मूल मौलिक अधिकारों के अध्यायों में न होके अब वो एक दूसरी धारा 300A में उसका स्थान स्थापित कर दिया गया है। और जाहिर है कि एक प्रकार से उसकी जो स्थिति है, अगर भारत में हम कहें कि भाई व्यक्ति के जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसकी क्या पोजीशन है, तो जाहिर है कि हमको कहना पड़ेगा कि वो मौलिक अधिकार तो नहीं है, लेकिन वो एकदम से ऑर्डिनरी लीगल राइट भी नहीं है, क्योंकि अभी भी संविधान के अंदर संपत्ति के मौलिक अधिकार, संपत्ति के अधिकार का उल्लेख है, और इस प्रकार से हमारे संपत्ति के अधिकार को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्राप्त है, जो कि भारतीय संविधान की एक विचित्रता है। और इस प्रकार से भारतीय संविधान के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि मौलिक अधिकार में और जो हमारा संवैधानिक अधिकार है उसमें एक वर्गीकरण हम स्थापित कर सकते हैं। लेकिन भारतीय संदर्भ में एक विशेष चीज हम लोगों को हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि जो हमारे अधिकार है या संवैधानिक अधिकार है, अगर इन अधिकारों का कभी हनन होता है तो हमें न्यायपालिका की एक जो शुरुआती प्रक्रिया है उसको पालन करना पड़ता है, अर्थात हमें अपने अधिकारों के रक्षण के लिए निचली अदालतों में पहले दस्तक देनी पड़ेगी, और धीरे 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 फिर हम आगे की अदालतों में जा सकते हैं। लेकिन जो मौलिक अधिकार है, जो हमें संविधान के मौलिक अधिकारों के अध्याय में जो अधिकारों का, जिन अधिकारों का वर्गीकरण किया हुआ है, जिन अधिकारों का वर्णन किया हुआ है, उनके लिए एक बड़ी खास बात है, और वो खास बात यह है कि भारत में अगर कभी आपके मौलिक अधिकारों का क्षरण होता है या कोई भी हनन करता है, चाहे राज्य करे चाहे कोई और संस्था करे, तो आप सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। संविधान का जो अनुच्छेद 226 है, अर्थात 226 है संविधान का अनुच्छेद, वो आपको आज्ञा देता है कि अगर आप चाहें तो अपने मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए हाई कोर्ट में सीधे जाके कोई भी रिट दायर कर सकते हैं, और अगर आपका मन करता है तो यही नहीं, आप सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाके दस्तक दे सकते हैं अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। तो इस प्रकार से हमारे संविधान का अनुच्छेद 32 और संविधान का अनुच्छेद 226 ये अत्यंत महत्वपूर्ण है जहां तक कि भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का या व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों का संबंध है। और इस प्रकार से हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि मौलिक अधिकारों का एक विशेष स्तर है हमारे संविधान के अंदर। संवैधानिक अधिकारों की स्थापना, जैसे हमने आपको बताया कि 301 में, अगर आप अनुच्छेद 301 में जो संपत्ति का अधिकार है उसकी स्थापना के लिए आप सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, भले ही उसका उल्लेख संविधान के अंतर्गत किया गया है, लेकिन अगर जो संविधान के मौलिक अधिकारों का अध्याय है उसमें जितने भी आपको नाना प्रकार के अधिकार दिए गए हैं, अगर उनका कभी उल्लंघन होता है, कोई भी उल्लंघन करे, तो आप उसकी स्थापना के लिए, उसकी रक्षा के लिए आप सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी, और ये स्वयं में ये अधिकार भी हमको एक प्रकार से मौलिक है, हमारा अनुच्छेद 32 में ये हमको अधिकार दिया गया है कि, और ये भी हमारा मौलिक अधिकार है कि अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ये हमारा मौलिक अधिकार है। रही बात मानवाधिकारों की, तो मानवाधिकारों में एक विशेष बात है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, हम सभी जानते हैं द्वितीय विश्व युद्ध काफी पुराना, 1939 से लेकर 45 तक द्वितीय विश्व युद्ध चलता रहा, उसके बाद एक यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई, और यूनाइटेड नेशंस ने एक प्रस्ताव 1948 में पारित किया, और उस प्रस्ताव में मानवाधिकारों का सबसे पहले उल्लेख आया, और वहाँ पे यूनाइटेड नेशंस ने एक प्रकार से
लगभग 30 मानवाधिकारों का उल्लेख किया जो अधिकार की अपने आप में बहुत ही विस्तृत है। लेकिन अब प्रश्न ये पैदा होता है कि मानवाधिकार तो एक ऐसे अधिकार है जो एक हमें मानव के रूप में प्राप्त होते हैं, अर्थात उसमें किसी देश का, उसमें किसी क्षेत्र का, भौगोलिकता का, नागरिकता का, सिटीजनशिप का या किसी भी प्रकार का बंधन नहीं होता। अगर हम केवल एक व्यक्ति हैं, एक मानव है, तो मानव के रूप में हमें एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए बहुत सारे अधिकारों का उल्लेख किया गया है और उन अधिकारों के साथ ही हमें जीवन जीना है। तो ये तो एक प्रकार की सार्वभौमिक अधिकार है, मानवाधिकार है, जो किसी, ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान के नागरिकों को कुछ अलग मानवाधिकार प्राप्त हैं या और देशों के नागरिकों को कुछ अलग मानवाधिकार प्राप्त हैं। दुनिया भर में जितने भी लोग रहते हैं, जितने व्यक्ति रहते हैं, उन सभी व्यक्तियों को देखा जाए तो सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन की भावना यही है कि उन सभी व्यक्तियों का एक समान सार्वभौमिक अधिकार होना चाहिए एक अच्छे नागरिक जीवन को जीने के लिए। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि वो तमाम तो आदर्श की चीजें हैं, लेकिन उसमें से बहुत सारे अधिकार ऐसे हैं जिनकी मान्यता अब धीरे धीरे मौलिक अधिकारों के रूप में हो रही है। अगर हम भारतीय संदर्भ की ही चर्चा करें तो भारत में अब बहुत सारे ऐसे मानवाधिकार जो कि पहले केवल मानवाधिकार थे, जो कि हमें मौलिक अधिकार की श्रेणी में, जिनको हम नहीं ला सकते थे, जिनको हम इन्फोर्स नहीं करा सकते थे, वो सारे के सारे अब धीरे धीरे हमारे सर्वोच्च न्यायालय के इंटरप्रिटेशन से और हमारे आर्टिकल 21 लाइफ और लिबर्टी का जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसमें, हमारे संविधान में उसकी व्याख्या करने में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे अधिकारों को उसमें सीमित कर दिया है। जैसे कि आप जानते ही होंगे कि अभी हाल में ताजा ताजा जो हमें सुप्रीम कोर्ट ने एक यूनानिमस जजमेंट दिया जिसमें कि हमें एकांत का या प्राइवेसी का जो अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी, इसको उन्होंने माना कि ये भी मौलिक अधिकार है। इसी प्रकार से शुद्ध जल प्राप्त करना, शुद्ध वातावरण प्राप्त करना, शुद्ध जो है एक प्रकार से नॉइज पोल्यूशन ना होना, और इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे जीवन, ऐसे अधिकार हैं जो कि हमें एक अच्छा जीवन जीने के लिए बहुत ही जरूरी है। उन सारे अधिकारों को भी अब सुप्रीम कोर्ट ने धीरे धीरे मौलिक अधिकारों की परिधि में लाना शुरू कर दिया है। तो बहुत सारे ऐसे मानवाधिकार हैं जो कि अभी मानवाधिकार के रूप में मान्यता जिनकी है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, लेकिन अभी हमारे या बहुत सारे देशों में उसको मौलिक अधिकारों की श्रेणी में नहीं रखा गया है। लेकिन अब धीरे धीरे प्रयास है कि उसका दायरा विस्तृत किया जाए। लेकिन फिर भी मानवाधिकारों की रक्षा के लिए भी आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के अपने जजमेंट पे निर्भर करेगा कि किस अधिकार को वो मानती है कि वो मानवाधिकार मौलिक अधिकारों की श्रेणी में आता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अधिकारों का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए कि अधिकार हमें एक अच्छा जीवन जीने के लिए या हमें अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए कुछ ऐसी मूलभूत स्वतंत्रताएं होती हैं जो कि राज्य इसको गारंटी करता है, लेकिन उसमें कुछ स्वतंत्रताएं बहुत अहम होती हैं जिसको कि हम मौलिक अधिकारों के रूप में जानते हैं, और उन अधिकारों की रक्षा के लिए वास्तव में कम से कम भारत में हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन मानवाधिकार एक बहुत विस्तृत अवधारणा है जिसमें कि अभी सारे मानवाधिकारों को मौलिक अधिकारों की श्रेणी में हम समाविष्ट नहीं कर पाए हैं। प्रयास जारी है और आशा है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट की व्याख्याओं के द्वारा धीरे धीरे बहुत सारे मानवाधिकारों को भी मौलिक अधिकारों की श्रेणी में सम्मिलित किया सकेगा। तो इस प्रकार से हमें इस पर फोकस रहना चाहिए और इसके बारे में पढ़ते रहना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट किन किन व्याख्याओं से, किन किन निर्णयों से, किन किन मानवाधिकारों को मौलिक अधिकारों की श्रेणी में ट्रांसफर कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इस संबंध में आपके जो भी प्रश्न होंगे, जो भी आपकी चिंताएं होंगी, उसको आप हमसे शेयर करेंगे ताकि आगे चल के हम और इस पर विस्तृत चर्चा कर सकें। थैंक यू।